सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक और फ्रेश ब्लॉग में। तो आज है हमारा डे 10। तो कुछ इस तरीके से था हमारा सेटअप। तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी आपको सेटअप दिखा देता हूँ, क्योंकि ये भाई लोग जल्दी बंद कर रहे हैं। तो एक मिनट रुकिए, दिखते हैं। सो ये था सेटअप, ये था पांडा ब्रो का सेटअप। पांडा ब्रो ने ऐसा क्या किया कि इतना सेटअप कर लिया कि अपना इंस्टा 360 गुम कर दिया। आधे घंटे बाद इनका इंस्टा 360 मिला। कुछ इस तरीके से है इनका सेटअप पूरा। इन्होंने कचाड़ा मचा दिया और बम बम मार के इन्होंने अपना ये टेंट है ना, ये भी फोड़ दिया है। पता नहीं क्या कर रहे थे रात को, पता नहीं क्या खेल रहे। और ये तो इन्होंने तो पहले ही पैक कर दिया है भाई, कि कोई सोए ना। बेल्ट मेरे पास भी है सर। और ये था तीन बंदों का टेंट, पर एक की पड़ गई, एक बंदा थक गया तो फिर दो ही सोए हैं इसमें, और बीच में डाल दी थी इन्होंने दीवार। तो ये था भाई, इसमें गौरव भाई और एंथनी भाई सोए थे। और ये वाला हो गया पैक। और ये था हमारा टेंट जिसमें हम चार बंदे सोए थे। अरे अरे, और दुनिया भर का सामान है इसमें, दुनिया भर का सामान है इसमें। यहाँ पे मैं सोया था, अभिनव तभी सो ही रहा है, नरेश सर यहाँ, योगी भाई यहाँ। तो कुछ इस तरीके से ही था हमारा सेटअप। और रेट भाई आप अपने आवा के कम करा लेना, पर हमारा सही तो प्राइस है ना। और गौरव भाई कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कुछ कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया टेंट में। यस, बस बेचारे करवट नहीं बदल पाए। ये भाई लोग हैं अभी अपने टेंट पैक कर रहे हैं। और भाई कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजेदार, मजेदार। मजे तो आएगा ही, दो बंदे जब लिपट के सोएंगे। लेकिन हम लिपट कर नहीं सोएंगे, लिपट के सोएंगे हम, लिपट कर नहीं। ये करेक्ट कर रहे हैं, वैसे बात अभी करेक्ट हुई नहीं है। अरे मांडा भाई करा रहे हैं फोटो वोटो। अरे अंतरी भाई कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा भाई, अच्छा। तो मेरे को लगता है क्योंकि जिस हिसाब से आप सोए तो पाए होगे नहीं, मैं नहीं सो पाया तो मेरे को उधर से उठ के इधर आना पड़ा। बोलने में बोल, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी बीच बीच साढ़े पांच बजे बीच बीच आउच पूरा क्या था वैसे मैंने भी पत्थर चुभ गया होगा यार दिल पे। तो अभी अपना टेंट अनअसेंबल, टेंट मतलब बंद कर रहे हैं, डिसेंबल करने वाले हैं यार, पैक कर रहे हैं रोटी वाली। इसका ना आधा फेस आ रहा है इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ उसे। तो ये था कुछ हमारा प्लान। चाय वाय हमने पी ली है, अब हम जाएंगे अपना ब्रश व्रश करने। झूठ बोल रहे हैं वीडियो में, क्या झूठ बोल रहे हैं भाई? मैंने सच बोला कि मैं अंदर सोया था। नहीं, चाय हमने नहीं पी है, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने नहीं पी है, मैंने ऑलरेडी पी ली है। और देखो रूम के अंदर भी है वॉशरूम, पर आई डोंट रेकमेंड कि सारे अंदर घुस जाएं। सामने वहाँ पे एक वॉशरूम दे रखा है, वहाँ चले जाना, वहीं चाय पानी सब मिलता है। और खाना भी मिला था रात को, खाना बढ़िया था, 300 रुपये का बफे था। तो रेकमेंडेड है खाना, अगर यहाँ आप खाना चाहते हो तो बढ़िया चीज़ है। तो हमारी बाइक खड़ी है इसके पार, अब जल्दी से रेडी होते हैं। और हमारा जो यहाँ से निकलने का टाइम है वो मैक्स टू मैक्स 8 o'clock अब यहाँ से निकल जाएंगे, ताकि हम अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। पांडा भाई सामान उठा ले, कुर्सी दे, दो मिनट। क्या कर रहे हो अंदर? देख व्यू देख। शुक्रिया यार, तूफान भी झेल लिया हमने यार, हमने दुनिया को लोग सो हमारी ऑलमोस्ट बाइक रेडी हो चुकी है डे 10 के हिसाब से। और ये मैंने कुछ बैग थोड़ा पीछे की तरफ बांध दिया, और अपना ये वाला बैग हमने लगा लिया यहाँ। सो यहाँ से हम निकलने वाले हैं। ये हमारे पांडा ब्रो, क्या सीनरी आ रही है पांडा ब्रो के पीछे। तो प्लान यही है कि बाइक पूरी रेडी हो चुकी है, यहाँ से हमारा पैंगोंग का रूट है, पैंगोंग लेक बोलते ना, पैंगोंग लेक का रूट है जो कि 4 से 5 घंटे का रहने वाला है। उसके बाद वहाँ से हमारी जर्नी लेह के लिए निकल जाएगी। तो आज का दिन थोड़ा लंबा है, सफ़र लंबा है, करते हैं शुरुआत। भरोसा नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, लेह पहुंचे कि मनाली पहुंचे। आज का टारगेट ऐसे हमारा लेह है, आज सिर्फ पैंगोंग का टारगेट है, उसके आएगा कुछ नहीं पता है। अच्छा, और दोनों ब्लॉगर्स हम दोनों, ये जब हम शूट होते हैं ये स्पेशली नुब्रा में मिलता है। तो सैंड की वजह से तो ना यहाँ बाइकें ढस रही हैं, तो
चार्ज करके खड़ी करी थोड़ी गर्म हो जाएगी ना। तैयार हो रही है दुल्हन। सो फाइनली होटल से निकल रहे हैं। 9431 किलोमीटर है भी हमारे, तो अब देखते हैं हम यहाँ से कितने किलोमीटर जाएंगे। तो नरेश सर भी बैठ रहे हैं और एंथनी बैठ रहे हैं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। सो फाइनली वी हैव डन द एग्जिट ऑफ नूपुरा वैली एट 10 o'clock। इट्स वेरी लेट पर ठीक है, 10 का दम था। जितने बंदे हैं तैयार होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से जो हमारा प्लान है वो है पैंगोंग लेक का। तो यहाँ से जो प्लान है वो है हमारा है पैंगोंग लेक का, और उसके बाद देखेंगे कि अगर हमें पैंगोंग लेक में रुकना पड़ा अगर लेट हो गए, या फिर हम जाएंगे लेह के लिए। तो वैसे लेह के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास रहने हैं 3-4 गाड़ियों में ऑलरेडी फॉग लैम्प्स हैं, तो आसानी से हम नीचे उतर सकते हैं। बट ऐसा अभी का प्लान जो है वो यही है कि अब भाई यहाँ लग चुका है जाम, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है काम, पूरा वहाँ तक जाम है आखिरी तक। कुछ बाइकें तो हमारी निकल गई, अब मेरी बाइक में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि इसका लंबा कट चाहिए होता है और इस तरफ पूरी कम्प्लीटली खाई है, तो मैं ऐसा भी रिस्क ले नहीं सकता। मैंने अभी गाड़ी वाली लाइन में ही लगा दिया, तो देखते हैं अब ये जाम कब खुलता है। तब तक यही सुंदर सुंदर नज़ारे का मज़े लेते हैं, मस्त अपना यहीं रुकते हैं। सो दिस इज़ द रूट टूवर्ड्स पैंगोंग लेक। मैंने हल्की सी बाइक को पकड़ा हुआ है, वैसे ढलान जाता है, और ये कुछ रूट है। टेढ़ा मेढ़ा हमारा बन चुका है, और ये भाई है, इनकी ये बाइक है, कहीं फंसे तो इन्होंने इसलिए लगा दी क्योंकि पीछे दो बंदे गिर गए थे। भाई चल रख 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 जल्दी रख भाई, गारंटी नहीं लूंगा यार, बार बार खोलेगा तो कैसे होगा। क्या कर रहा है? तो वहां कोई गिर चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर दिया, थोड़ा सा क्रैम्प व्रैम्प आया है। तो ये भाई लोग हैं, बस बस हो गया, आगे मत करियो, आगे स्क्रैचेस एरिया हो जाएगा। छोड़ दे, गिर गया साल, नहीं गिरेगा यार इतने में तो। छोड़ियो छोड़ियो छोड़ना, एक मिनट लगा दो, तुम लगा तो दी थी मैंने, छोड़ दे। अरे कहाँ लगा रहा है, गाड़ी खराब करेगा क्या भाई, इसमें लगा ना। अरे इसमें पिछलेगी, चल लगा तो सही, छोड़ दे देखो बस। बड़े भाई यहाँ ये टायर से निकालना। नाउ इट्स माई टर्न टू गो। तो भाई देखते हैं, जय माता दी। पहला पुश तो मैंने ले लिया था, इसके बाद जाऊंगा गाड़ी, गाड़ी के बाद, गाड़ी के बाद। चिंता मत कर यार तू, एडवेंचर की यही तो खास बात है। एडवेंचर की यही तो खास बात है, बहुत आसानी से निकल गई। बहुत टाइम पास, साफ रोड आई है और पांडा ब्रो को देखो, ये क्या भगा रहे मालिन को खतरनाक तरीके से, और पांडा हमारा पीछे बैठा है। अभी भाई की फैन फॉलोइंग हो गई थी, मुंबई से काफी बंदे आए थे, तो उन्होंने पांडा ब्रो को से मिले, फोटो वोटो करवाई, काफी मजा आया। तो ऐसे लोग मिलते रहे तो काफी अच्छा लगता है। तो ये भैया आए हैं, ये उड़ा रहे हैं ड्रोन,
भाई टेढ़ा मेढ़ा करके ये देखो यार भाई, जेट उड़ा रहे हैं भाई फाइटर। तो अगर हम इनके व्लॉग में दिख जाएं, देख लेना जेट उड़ रहा है इनका। कहाँ गया ऑफिस लाओ, हमारे पास आ रहा है, हमारे पास कहाँ है, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। आ गया 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 आ गया। ये पकड़ा ला, पकड़ा पकड़ा पकड़ा, लगा दिया ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कितनी बाइक हैं आपके साथ? मजाक मजाक में यहाँ गाड़ी लगा दी इतनी भाई ने, और गाड़ी देखो। नहीं मजाक में नहीं, जानबूझ के लगाई है, जानबूझ के लगाई है। ब्लॉग में ऐसे नहीं बोलते ना। और पूरा टायर फंस गया है। अब यहाँ कोई है नहीं तो मैं आगे की वीडियो नहीं दिखा सकता, मैं ही धक्का मारूंगा। वीडियो फोन को हम यहाँ पे स्टैंड पे लगाएंगे फिर वो। महंगी बातचीत है, फोन तो कुछ फंस चुकी है। गाड़ी बुलाते हैं सवारी, नहीं अपने आप निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकालो जरा देखे स्टाइल स्टाइल। चलो देखते भाई, और आप निकाल रहे हैं, निकलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर सपोर्ट। चलो निकालो, देख रहे हैं। सर टेस्ट मार रहा। लगा भाई जोर। अरे बहन की तो आगे से उठ गई, कौन सा पी है, इसमें मिट्टी हटा दी। लेफ्ट से निकालेगा राइट से पीछे ले, बिल्कुल पीछे ले, यहाँ से निकल जाएगी। टेढ़ा कर एंटर, देख के बैक बैक बैक, देखिए फायदा पैर को क्या होगा। सो अभी लिया था हमने छोटा सा ब्रेक, और पैंगोंग लेक अभी भी रहता है 100 किलोमीटर्स। सो एक दो बंदे निकल चुके हैं, तो मैं भी निकल चुका हूँ, और काफ़ी ग्रुप्स आ रहे हैं। तभी मैंने ग्रुप्स का प्राइसिंग पता करा, तो प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था भाई लोगों। 30,000 फॉर 7 डेज, जिसमें बाइक आपकी, तेल आपका, सिर्फ उनका बैकअप होता है आपके साथ कि भाई कोई दिक्कत होगी तो दे विल सपोर्ट यू, और आपकी बाइक को बिल्कुल सही सलामत करके आपको लेकर आएंगे। तो उनका एक बैकअप के तरीके से काम करता है। तो और 30,000 ठीक है, बाई चांस अगर आपकी बाइक ख़राब हो जाती है, अगर और टो करके ले जानी पड़ती है, तो ऑलरेडी वैसे ही आप 20,000 दे देंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए ठीक है, जो भी प्राइसिंग है होगा कुछ सोच समझ कर ही। और गाइड्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं उनके, 4 to 5 गाइड्स होते हैं जो इस ट्रिप को करवाते हैं, और दे हैव अ कम्प्लीट नॉलेज अबाउट इट। तो उनका सिर्फ ट्रिप आज पैंगोंग लेक तक ही है, और वो 8:30 पे निकले थे, हम 10 बजे निकले थे, और हम उनके बराबर चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 90 मिनट्स यहाँ पे हमारे बच जाते। देखा नहीं पीछे गाड़ी थी, यदि साइड निकल गए। सो यस, सो आज उनका स्टे पैंगोंग लेक तक ही रहेगा, एंड हमारा जो है होपफुली हम यहाँ से निकलेंगे लेह लद्दाख के लिए। लद्दाख के लिए बेसिकली उसमें हम जो हमारी स्टे रहेगा वो लेह में रहेगा। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लंबा है, अभी तक तो मज़ा आ रहा है, बाइक भी सही चल रही है टच उट, एंड अभी कोई बैक पेन एंड ऑल नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग कल ही पेन किलर्स ले लिए थे, एंड अलॉन्ग विद द पेन किलर आई हैव ऑलरेडी टेकन सम मोर मेडिसिंस, जिससे मेरा जो कंट्रोल है बॉडी का वो रहे, तो दैट्स द पॉइंट। और वॉल स्प्रे वगैरह सब कर लिया था भाई, क्योंकि पहले ही एडवांस में करके चलो, क्योंकि बैक पेन कब हो जाता है आपको खुद नहीं पता, तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो लेते हैं अभी इसका शॉट, GoPro से GoPro 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 Go baby Go baby Go baby Go baby Go baby, so there's the GoPro shot। तो यहाँ से है ओके, सब आ चुके हैं तो निकलते हैं, सब आ ही चुके हैं तो यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ से अभी तो डरकुश वर कुछ लिखा था, पैंगोंग लेक का नहीं लिखा, क्योंकि मुझे लगता है पैंगोंग लेक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो अभी बज रहे हैं 2:00 9:17 किलोमीटर हो चुके हैं, तो देखते हैं हम कितने किलोमीटर अब चलाते हैं फॉर 1 आवर। तो 1 आवर तक ब्रेक नहीं लेना, तभी हम कुछ डेस्टिनेशन को अचीव कर पाएंगे, नहीं तो हम यहीं रुके रह जाएंगे। सो दैट्स द प्लान। सो चलिए 9:17 किलोमीटर अभी ऑलरेडी हो रहे हैं अपनी
बाइक पे, देखते हैं 1 आवर में हम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। एटलीस्ट 40 किलोमीटर का स्ट्रेच तो हम लेने ही वाले हैं, एंड देन विल सी कि कैसा रहता है। फिर से आ चुका है ऑफ रोड पैच और अब तो काफ़ी अपराइट पोजीशन पे है। अब दिक्कत क्या है, अभी भाई लोगों के मैं वैसे पीछे चल रहा हूँ, पर ओनली रीज़न कि यार इसको इस ये स्लो चलाना इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसको मोमेंटम चाहिए होता है। तो अभी ये पैच के बाद मैं पीछे हो जाऊँगा, बट ये पैच कवर करते हैं। बीच बीच में सिर्फ पैचेस ही हैं, ये तो बिल्कुल ही आप बोलेंगे कि ऑन एंड ऑफ है, मतलब ये और रोड है ही नहीं, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ ये बना हुआ है बिकॉज यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, तो गाड़ियों का वेट, बाइकों का वेट, उससे ये पत्थर दबे हुए हैं। ये तो जेन्युइनली यहाँ ये कोई रास्ता नहीं है, बस ये निकला हुआ है छोटा सा। पर लोड ले रही है गाड़ी, ये है रास्ता, लोड नहीं ले पाती गाड़ी कई बार, क्यों पीछे है भैया 50-1 किलो का वजन। क्या हुआ, आ रहा है, चलो धीरे धीरे चलते हैं। तो इंस्टा 360 की हो चुकी है बैटरी डाउन, अभी मैंने लगाया भी नहीं है, तो अब जहाँ ब्रेक लेंगे वहां पे मैं उसको चार्जिंग पे लगा दूंगा, ताकि कुछ और इंस्टा 360 में जो हम कैप्चर कर सकें। बट जेन्युइनली यार लद्दाख बहुत ही सुंदर है, थोड़ी सी अगर आप हिम्मत कर सकते हैं तो लद्दाख इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस, और खारदुंगला इज़ एन इमोशन, जंस्कार इज़ एन इमोशन। अब थोड़ी सी ना ठंड बढ़ रही है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, तो यहाँ दो गायें बंधी हुई है। अब ये देखिए अपहिल हो रहा है ये पूरा ये रूट ना, तो थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए ये बनाया, ऐसे नहीं है कि ख़राब बना दिया, ये स्लो डाउन करने के लिए बनाया जाता है। और अब ये पूरा ऐसे अपराइट, हमारा पूरा कंप्लीट अपराइट, देखता हूँ मैं कितनी हाइट आ रही है। तो हम ऑलमोस्ट हम पहुँचने तो वाले हैं, ये है सिल्क रूट कैफे का किसी ने बोर्ड लगा रखा है, और ये श्योक, तो श्योक पहुंचने वाले हैं। श्योक यहाँ से 1 किलोमीटर है, तो श्योक पहुंच जाएंगे, बट श्योक पहुंचने के लिए हमें कम्प्लीटली अपराइट जाना है। तो धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, गायें बंधी हुई है यहाँ पे, बट दिस इज अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है ये पूरा। वहाँ पे है कैफे शायद, वहाँ पे गाड़ियाँ भी रुकी हुई है, वॉशरूम वगैरह भी है, बट पेट तो अपना ठीक है, कोई टच उड़ कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आ रही होती तो चले जाते, रवि के लिए बिल्कुल सब सही चल रहा है। तो मे बी हम यहाँ पे रुकना अवॉइड कर दें, बट भूख तो लग रही है, तो जैसे गौरव भाई बोलेंगे फिर हम ब्रेक ले लेंगे और रुक जाएंगे, बट अभी कोई ब्रेक नहीं है बॉस। तो डोमिनार वाले भैया ने ले ली है केनी भर के पीटर वाली, ओके यही रुक रहे हैं हम श्योक पे। रुकना है, तो यही ब्रेक ले लिया हमने, सुबह से कोई ब्रेक नहीं लिया, तो जो जल्दी जल्दी मिलेगा वो खा लेंगे और फिर आगे के लिए निकलेंगे। एक साइड नहीं हो रही गाड़ी, पेट्रोल से एक साइड तो नहीं हो रही। ओके सो रुके हैं हम शायक बाइकर्स कैफे में, रुक रहे हैं, और यहाँ पे दो कैफे हैं, एक यहाँ पर कैफे है, दूसरे कैफे यहाँ पर है। अपनी बाइक यहाँ लग चुकी है, पांडा भाई जा चुके हैं, तो ये रहा मैं, फेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और कैसे चल रही है बाइक? बढ़िया बढ़िया चल रही है भाई, डेलेक्स को भी खींच कर ले आए हैं। ये होता है एकदम पल होता है, वो वाली बात है, सब लोग अपने वॉशरूम वॉशरूम के लिए निकल रहे हैं। और स्पीकर कहाँ लगाया था आपने पहली पिछली बार? इसमें लगाया था, याद ही नहीं है। अरे यार चलो कोई नहीं, अब लगा दिया वहाँ पे स्टिकर,
और सब ने ऑर्डर कर दिया, किसी ने राजमा चावल, किसी ने दाल चावल। योगी भाई आपने क्या ऑर्डर किया है? राजमा चावल खाएंगे भाई साहब, क्या व्यू आ रहा है। तो चलिए जल्दी खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। जो है ना ये टेढ़ा हो गया, 2022 को फिक्स करने का ट्राई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये देखिए यहाँ से निकल चुका है। लाओ दो, अपना दो निकालो। जब तक हमारा खाना आता है तब तक 2022 को फिक्स करने का ट्राई कर रहे हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। खींचो क्या? ना ना हो जाएगा, खींचा नहीं, टाइट करना है। ये टाइट घुसाना भी पड़ेगा। नहीं, टाइट करते ही आ जाएगा। ग्लव्स गिरते जा रहे हैं। ग्लव्स उठा लो यार मेरे। यार बोलियो मैंने नहीं करा, ये मैंने नहीं करा। लाठी बाहर आ गई। चलो बढ़िया, ये ले, मजे काम आएगा। इस पे झंडा बांध देंगे आप। सही में भाई बैग का मान लगे, नींद आ गई थी। लंच हो चुका है हमारा और यहाँ से पैंगोंग लेक जो है ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर है। तो हमारा जो पांडा ब्रो है वो ऑलरेडी पहुँच चुका है, तो अब नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा वहीं रहेगा 60 किलोमीटर पे। वहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक आधे घंटे का पैंगोंग का, और फिर देखते हैं कि हम आगे के लिए जाना है नहीं जाना। बट अभी का व्यू यही है कि हमें पैंगोंग के लिए निकलना है। पैंगोंग ओके ब्रो। निकल चुके पैंगोंग के लिए। पैंगोंग यहाँ से था ऑलमोस्ट, यहाँ से चार भाग है 62 किलोमीटर। देखते हैं भाई, मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा था तो मैंने डबल जैकेट कर लिया है। ठीक है, अपनी वो 0 डिग्री वाली दो फायदे हैं, एक तो पतली होती है जैकेट और दूसरा क्या है कि राइडिंग जैकेट के साथ आ जाती है और टेम्परेचर भी कंट्रोल हो रहा है डेफिनेटली। सो भाई मेरी तरफ से कम्प्लीटली रिकमेंडेड है। ओनली 3 रीजन्स, एक तो मैं इसको मल्टीपल क्लॉथ्स के साथ बहुत ज़्यादा इसको पहन सकता हूँ, मतलब मैंने 6 लेयर्स पहने थे जब खारदुंगला गया था, तो इसको ईजिली मैं मल्टीपल लेयर्स के साथ पहन सकता हूँ। ओए होए 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 होए, मेरे भाई कर रहे हैं ऑफ रोडिंग। चलिए हम भी करते हैं ऑफ रोडिंग। ब्रेक पे पैर आ चुका है, कई लोग वहां से उतार रहे हैं, कहीं वहां से उतार रहे हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट पैच है भाई। पैंगोंग यहां से सिर्फ 8 किलोमीटर है और सच बताऊं तो नींद आ रही है। तभी मैंने हेलमेट का वाइजर ओपन किया है और बहुत नींद सी आ रही है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हेड ग्लव गर्दन शेक करी है। पैंगटेक्सू हाउस यहाँ से 3 किलोमीटर है और पैंगोंग टी एस लोग यहाँ से राइट है। रुक जाता हूँ भले, और मैं एक ट्रक जा रहा है। सो पैंगोंग टी एस लोग इस तरफ है, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। साफ साफ बोर्ड में लिखा हुआ है मैं चहर। अभी 5 बज रहे हैं तो शाम के 6 बजे तक हम एक्सप्लोर करेंगे, फिर हमारी होगी नाइट राइड टू लद्दाख 140 किलोमीटर। वेलकम टू मोड विलेज।
दोनों नीचे गए हैं क्या? सो यहाँ पर है कीर्ति चक्र बटालियन, ऊपर बहुत अच्छा सा बोर्ड भी था कीर्ति चक्र का, और कुछ इस तरीके से व्यू है हमारा, और यहाँ पर है वेलकम टू मॉडल विलेज पोपरांग। तो ये दो भाई हमारे रास्ता मिस कर गए थे, तो ये दोनों अभी इस तरफ से आ रहे हैं, और एज अ पोजिशन एज अ टेल पे, और भाई योगी भाई और वो पता नहीं क्यों पीछे रुक गए। वैसे ही ऑलरेडी टाइम कम है हमारे पास, ओनली 1 आवर इज लेफ्ट, क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर है मेडिकल एड पोस्ट, खास बात, गुड गुड गुड। एंड मराठा सोवेनियर शो, ओए होए, भारत माता की जय भाई। पहली बार मेरी नजर नहीं हट रही, मैं इन चीजों को वैसे कवर करता नहीं हूँ, बट नाइस। तो यहाँ से पैंगोंग लेक ओनली 3 किलोमीटर है, और ऑलरेडी लेक हमें दिखना शुरू हो गई है, बट लेक का एक व्यू पॉइंट आएगा। सो व्यू पॉइंट पर वहाँ के लिए मैं आगे जाना है, कुछ लोग यहाँ पर भी फ़ोटो शूट करा रहे हैं, बट जो मेन वो व्यू पॉइंट है वो आगे की तरफ ही है। सो ये है पैंगोंग लेक, और आगे वो जो एरिया है वो कम्प्लीट पैंगोंग लेक का एरिया ही है। यहाँ सारी बाइकें रुकी हुई हैं, चलिए देखते हैं क्यों रुकी हुई हैं। डायल 112 है यहाँ पे भी। ओके, सब यहाँ पे वीडियोस के लिए ही रुके हैं, सब कुछ नहीं है, तो हम आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। We still have enough time to reach. ये है पूरी complete पैंगोंग लेक, वो है आखिरी कोना पैंगोंग लेक का। मेंस्टल कॉटेज एंड रेस्टोरेंट, स्नो पाइन कॉटेज। तो भाई टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूँ ना, कोई ऐसे टेंट वेंट ले जाने की जरूरत नहीं है। सुबह से अगर आप बाइक स्टार्ट करते हैं अपनी, शाम के 4 बजे भी अगर आप ढूंढना शुरू करेंगे ना, बहुत आसानी से आपको कहीं भी रूम वगैरह मिल जाएगा। हमारा 10th डे है आज, सो मुझे नहीं लगता कि कोई रूम से रिलेटेड अभी तक कोई इश्यू हुआ है। इवन हमने लिया है ज़रूर, हमने रूम ज़रूर लिया है और टेंट ज़रूर लगाए हैं, बट टेंट लगाने का भी 500 रुपीज़ रेंटल था, तो उससे बढ़िया तो जो हमें टेंट मिला है वो बहुत ही बढ़िया था। तो अगर आप शेयरिंग में करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, तो इतना आप पे ज़्यादा लोड नहीं आता। यहाँ पर है बुद्धा जी की मूर्ति इस तरफ, सो दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पे 3 Idiots की शूटिंग हुई थी, पैंगोंग लेक। हम सीधा अपनी लोकेशन पर आए हैं, पांडा ब्रो पता नहीं कहाँ है, बट हम अपना यहाँ पर 1 आवर स्पेंड करेंगे। दूर दूर से लोग आते हैं इस लोकेशन को देखने, जस्ट बिकॉज ऑफ आफ्टर 3 Idiots शूटिंग। यहाँ लगा देते हैं मोड़ के। सो फाइनली फुल टीम पहुंच चुकी है पैंगोंग लेक। तो भाई कुछ कहना चाहोगे? भाई आनंद आ गया, बहुत जबरदस्त है, देख के बहुत मन प्रसन्न हुआ, और गाड़ी चलाने में बहुत आनंद आया। इस वाले रोड पर तो भाई मजा आया, बोल शंकर भगवान की। बोलो भाई अभिनव भाई कुछ कहना चाहोगे? ये लेक बढ़िया लगी, बस उसके अलावा लद्दाख में कुछ बढ़िया नहीं लगा भाई। अरे पर्सनली भी मांगे तो भाई। एंथनी भाई कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी कुछ कहना चाहोगे? इधर से बता दो। नहीं क्या ही कुछ कहें, बस जो ड्रीम था वो पूरा होता नजर आ रहा है।
एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एंटॉर्क पे ये कर पाऊंगा, जिस हिसाब से अप हिल्स पे इसकी परफॉर्मेंस कम हुई थी ना, लगा था कि ये पॉसिबल नहीं होगा, बट है पॉसिबल है ना। बाकी कुछ लोग अपने अपनी वीडियोस बना रहे हैं और दिस इज मी और मेरी बाइक, यहाँ भी आपको दिखाता हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं पैंगोंग लेक, अभी यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट करेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे, वो अपना घुचाने खुजाने वाला सीन करेंगे। तो कुछ इस तरीके का प्लान है। मैं एक बार अपनी बाइक दिखा देता हूँ आपको। सो दिस इज़ माई बाइक, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी मैंने अपनी जैकेट बदल ली है, मैंने येलो वाली जैकेट पहन ली है, राइनो जैकेट। भाई पांडा भाई कह रहे हैं कि नियॉन है तो नियॉन है। देखो ये तो कुर्सी लेके चलते हैं, पता नहीं कितना दर्द है इनके अंदर, जहाँ देख के कुर्सी लगा लेते हैं। और भाई एचएफ डिलक्स वाले भाई कुछ कहना चाहोगे? हीरो वालों को टैग कर दो इस वीडियो में, क्या बोलते हो? टैग कर दो जी। क्या बोल रहा है उनको? स्पॉन्सरशिप पहले जी। स्पॉन्सर पहले कमाना पड़ता है भाई। डिजर्व करता है वो। डिजर्व भी करता है, अच्छी बात है। हाँ सुन, क्या नाम है तेरा? सही से कर ले मेरे को। सब लोग करते हैं, सिर्फ ये करते हैं, मैं पूरा सर्किट करूंगा दिल्ली टू श्रीनगर होते हुए पूरा। तो गौरव भाई कुछ कहना चाहोगे? बस हम लोग सेफली यहाँ तक आ गए हैं, अभी तक बहुत सारी मुश्किलों के बाद हम सेफली यहाँ से आगे जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और सबका सरप्राइज तो पता ही होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। क्या सरप्राइज है यहाँ बता दो जल्दी। नहीं बता दो, बस बर्थडे बनाएंगे। स्मार्ट आ रहे हैं बिल्कुल यार। लाइनअप जी अपना पैंगोंग लेक के लिए था, पैंगोंग लेक पे। और वहाँ हमारे भाई है योगी, अपने इंटर वीडियो कर रहे हैं। दिस इज भाई, नीचे चले जाओ। वो कहाँ है मेरा फोटो? सो नीचे आ चुके हैं, ये सारी कुछ चेयर्स वगैरह भाई पैसे ले रहे हैं, 50 रुपये पर हेड, पता नहीं 100 रुपये पर हेड। तो कोई फोटो नहीं करवा रहा है यहाँ पे, बट कुछ लोग यहाँ पे लेट लेट के फोटो करवा रहे हैं, कुछ यहाँ बैठ के। भाई बिल्कुल पानी की तरफ जा रहे हैं, योगी भाई बिल्कुल ठाकुर बन गए हैं, अब दूसरे का ठाकुर बोल रहे हैं। पानी कम हो गया ना, ये एरिया बड़ा होता था। हाँ तो पानी कम हो गया ना, ये एरिया बड़ा होता था। Finally we reached to Pangong Lake. This is the lake. कितना साफ पानी है। पानी में जाओ। पानी में डाल दो फोन। पानी में डालो ना। अरे पानी में डालो। काश इंसान की जिंदगी भी ऐसी साफ होती। साफ तो बहुत होती, गंदी आप कर देते हो। अब ये देखो। पांडा भाई। इसको तो कितना कट करना है मुझे, मैं ही भूल जाऊंगा। जूता डाल दे, देखो ये कर दी ना इंसान वाली बात। जूता डाल ना, मुंह तो थोड़ी है। वन ऑफ स्टार्ट। सो फाइनली वी रीच्ड टू पैंगोंग लेक। ये देखिए कितना साफ पानी है। पी के दिखाओ। ओ ठंडी के दिखा दो, पी के एक बार। ऐसा थूक दिया, गंदा गंदे पानी। थोड़ा सा गरम मीठ, नमक-नमक जैसा है। नमक Leaving from Bangkok